ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं जिन्होंने लोकतंत्र और ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों की दुकान खोल के रखी है, ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में गलती से पढ़ नहीं जाते हैं। ये गलती से भारत को टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि ये जानबूझकर भारत के खिलाफ कैलकुलेटिव मूव चलते हैं। अमेरिका ने अचानक से अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लाकर पाकिस्तान में नियुक्त अपने एम्बेसडर को पीओके भेजकर इनडायरेक्टली कश्मीर में दखल देने की कोशिश भी कर दी है, और अब अमेरिका के बाद लगता है कि जर्मनी से भी कश्मीर मसले के ऊपर बिना कुछ बोले रहा नहीं जा रहा है, और जर्मनी ने भी भारत को कश्मीर के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों से भारत और वेस्टर्न देशों के टाइस काफी मजबूत हुए हैं। डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक दोनों फ्रंट के ऊपर भारत वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के लगातार क्लोज जाते जा रहा है, और जो वेस्टर्न देशों के साथ रिलेशंस में एनर्जी और मोमेंटम इस समय भारत को मिला है वो इससे पहले एब्सेंट था। जो बॉन्डिंग भारत और अमेरिका के बीच बनते जा रही है, सेम बॉन्डिंग हम रशिया के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन रशिया ने कश्मीर मसले में आज तक कभी दखल नहीं दिया। जब भी किसी रशियन अधिकारी, फॉरेन मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तक के सामने कश्मीर इशू का मुद्दा उठाया गया, उन्होंने बस एक ही बात बोली है, ये भारत और पाकिस्तान का बायलेटरल इशू है और इसके ऊपर वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो हमारे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, वो कश्मीर के ऊपर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, जिसमें अब लेटेस्ट नाम जर्मनी का जुड़ गया है। दरअसल पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी के दौरे पर गया हुआ था, जिस दौरान वहाँ पर मीटिंग के बाद बिलावल भुट्टो और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बैरबॉक दोनों एक साथ मिलकर मीडिया को संबोधित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में जर्मन विदेश मंत्री ने बोला कि कश्मीर में जो सिचुएशन चल रही है, इसमें जर्मनी को भी एक रोल प्ले करना होगा, इसमें जर्मनी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हम कश्मीर में एक पीसफुल सॉल्यूशन यानी शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए यूनाइटेड नेशंस की भागीदारी का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। जैसा कि मिस्टर भुट्टो ने डिस्क्राइब किया यानी जानकारी दी, अभी तक वहाँ पर टेंशंस मौजूद हैं, इसलिए हम पाकिस्तान और भारत को सीजफायर के रास्ते के ऊपर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, दोनों देश यूनाइटेड नेशंस के रास्ते पर चलें और दोनों देश कश्मीर रीजन में पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएं। अब पता नहीं क्यों जर्मनी को लग रहा है कि कश्मीर में उसका कोई रोल या फिर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ना ही हमारा जर्मनी के साथ कोई बॉर्डर मिलता है, ना ही दोनों देश एक कॉन्टिनेंट में है, कहाँ पर जर्मनी यूरोप में है और कहाँ पर भारत एशिया के साउथ में है, कई हजारों किलोमीटर दूर। लेकिन इसके बावजूद जर्मनी का कहना है कि उसको कश्मीर में एक रोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसके ऊपर किसी भी भारी देश की दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए जर्मन विदेश मंत्री की स्टेटमेंट के 24 घंटों के अंदर भारतीय सरकार ने जर्मनी को इसके ऊपर जवाब भी दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जर्मनी की निंदा करते हुए कहा कि ग्लोबल कम्युनिटी यानी वैश्विक समुदाय के सभी गंभीर और कर्तव्यनिष्ठ सदस्यों की इंटरनेशनल और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाने की भूमिका और जिम्मेदारी बनती है। भारत का जम्मू कश्मीर कई दशकों से इस तरह के टेररिस्ट कैंपेन्स यानी इस तरह के आतंकवादी अभियान का खामियाजा भुगत रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये टेररिस्ट कैंपेन्स अब तक जारी हैं। जम्मू कश्मीर में विदेशी नागरिक भी इन आतंकी अभियानों के शिकार हुए हैं, यानी आतंकी हमलों में कई सारे विदेशी नागरिकों की भी जान गई है। जर्मनी के लिए अरिंदम बागची ने कहा कि जब बाकी देश किसी सेल्फ इंटरेस्ट या इंडिफरेंसेस के कारण आतंकवाद के खतरों को नहीं पहचानते हैं, तो वो इसे एक प्रकार से बढ़ावा तो देते हैं, लेकिन इसके साथ पीस यानी शांति को अंडरमाइन करते हैं। वो टेररिज्म के विक्टिम्स के साथ भी अनजस्टिस यानी आतंकवाद के पीड़ितों के साथ भी घोर अन्याय करते हैं। ये भारत का जवाब था। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार कश्मीर मसले को अच्छे से संभाल रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।